महत्वपूर्ण समाचार आवी रह्या छे। राज्यमां आगामी सात दिवस तापमान यथावत रहेशे। कच्छ पाटण बनासकांठा कच्छमां डस्ट स्ट्रोम की आगाही करवामां आवी छे। समग्र राज्य में आंधी साथे भारे पवन फूंकाशे। अमदावाद गांधीनगर में पारो 43 थी 44 डिग्री रहेशे। 4 जूने उत्तर मध्य गुजरात में पारो 41 थी 44 डिग्री रहेशे। त्यारे जे प्रमाणे हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवी छे, राज्य में आगामी सात दिवस तापमान यथावत रहेशे तेवी संभावनाओ व्यक्त करवामां आवी छे। जो वात करवामां आवे कच्छ पाटण बनासकांठा कच्छना डस्ट स्टोर्म की आगाही करवामां आवी छे। समग्र राज्य में भारे पवनों फूंकावशे। अमदावाद अने गांधीनगर ना तापमान में 43 थी 44 डिग्री जेटला रहे तेवी संभावनाओ छे। 4 जूने उत्तर अने मध्य गुजरात में तापमान 41 थी 44 डिग्री नी आसपास रहे तेवी शक्यताओ जोवामां आवी रही छे। हवामान विभाग द्वारा जे प्रमाणे आगाही करवामां आवी रही छे, 4 जूने उत्तर मध्य गुजरात में पारो 41 थी 44 डिग्री रहेवानी संभावना। गांधीनगर अने अमदावादमां जे पारो छे 43 अने 44 डिग्री सुधी रही शके छे। जो वात करवामां आवे कच्छमां डस्ट स्टोर्मनी आगाही करवामां आवी छे। कच्छ पाटण अने बनासकांठामां आगाही करवामां आवी छे। 7 दिनों के लिए ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर नो लार्ज चेंज में रहेगा। और डस्ट स्टॉर्म की बात करेंगे तो सौराष्ट्र कच्छ में कच्छ पाटन सुरेंद्रनगर और बनासकांठा के लिए आने वाले 3 दिनों के लिए डस्ट स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। और इनलैंड रीजन पे गुजरात स्टेट में स्ट्रांग सरफेस विंड प्रिवेल करेगी आने वाले 3 दिनों के लिए, जिसकी विंड की स्पीड होगी 25 से 30 किलोमीटर पर आवर।